वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का मेगा ओपिनियन पोल। इस मेगा ओपिनियन पोल में देश के 21 राज्यों के आंकड़े जुटाए गए हैं व्यूअर्स। इन 21 राज्यों की 518 यानी 518 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कवर किया गया है, यानी हमारी टीम 95% लोकसभा सीटों तक पहुंची है। और सिर्फ यही नहीं, ये सर्वे 12 फरवरी से 1 मार्च के बीच किया गया है। हमने 1,18,000 से ज्यादा लोगों की राय ली है, जबकि प्लान था 1,08,000। हर लोकसभा क्षेत्र की कम से कम 3 विधानसभा सीटों तक हम पहुंचे। और सीधा रुख करते हैं किशोर का, क्योंकि आंकड़े अब आना शुरू हो चुके हैं। किशोर, तो पहला आंकड़ा क्या है किशोर? यह सबसे पहले बिहार की 40 सीटें, पिछली बार जो 39-1 में बटी थी, इस बार उन सीटों का क्या हो रहा है। मध्य बिहार की पहले सीटें देखते हैं। मध्य बिहार की कुल सीटें हैं 8। 8 में एनडीए को 7 जाती हुई न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में, और इंडी गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 1। मध्य बिहार में सिर्फ 1 विपक्षी गठबंधन को, पिछली बार मध्य बिहार में 1 भी सीट नहीं मिली थी विपक्षी गठबंधन को, एक इस बार 1 मिलती हुई। फिर पूर्वी बिहार की 6 सीटें, पूर्वी बिहार में विपक्षी गठबंधन को 1 मिलती हुई इस ओपिनियन पोल के हिसाब से, और एनडीए को 5। पिछली बार भी 1 विपक्षी गठबंधन को यहीं से मिली थी, पूर्वी बिहार से। अब आ जाइए उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार की कुल सीटें हैं 12। 12 की 12 जाती हुई एनडीए को, 12 की 12 एनडीए को जाती हुई। तो कुल मिलाकर जो 40 सीटें हैं बिहार की, उनमें दक्षिण बिहार में 5 सीटें, वो भी 5 की 5 जाती हुई एनडीए को। एनडीए को 5 सीटें, विपक्षी गठबंधन को 1 भी नहीं। कुल पश्चिम बिहार की 9 सीटों में भी 9 की 9 सीटें एनडीए को, और विपक्षी गठबंधन को 1 भी नहीं। तो पिछली बार 39-1 था 40 में, इस बार 40 में 38-2 का अनुमान है न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल का। 2 सीटें विपक्षी गठबंधन को, यानी विपक्षी गठबंधन को पिछली बार के मुकाबले 1 सीट का फायदा। पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी, इस बार 2 सीट होती हुई। और अगर वोट परसेंटेज देखें तो पिछली बार 53% वोट था एनडीए का, वो बढ़कर 58% हो सकता है, और विपक्षी गठबंधन का वोट 28% रह सकता है, जो पिछली बार 31% था। तो विपक्षी गठबंधन को वोट में नुकसान, सीट में 1 का फायदा, लेकिन बहुत मामूली फायदा, यानी क्लीन स्वीप एक बार फिर एक तरह से एनडीए की तरफ। सिर्फ 2 सीटें विपक्षी गठबंधन को, याद रखिए पिछली बार सिर्फ 1 सीट थी, किशनगंज की सीट थी, वो 1 सीट थी। इस बार विपक्षी गठबंधन को 2 सीटों का अनुमान है, 40 में 2 विपक्ष को, 38 एनडीए को। अमीश जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है किशोर, जो आपने आंकड़ा दिया है। रूपिका, अगर हम देखें तो पिछली बार 1 सीट थी, वो भी कांग्रेस के पास आई थी, लेकिन इस बार 2 सीटें आ रही हैं। लेकिन विपक्ष को बिहार से बहुत उम्मीदें थी, पिछली बार बीजेपी के खाते में 17 गई थी, जेडीयू के खाते में 16 गई थी। तो ये अपने आप में ये पोल है, और जैसा आपने बताया 1,18,000 तक। बड़ी खबर बता देना चाहते हैं, बड़ी खबर यही है कि बिहार के ओपिनियन पोल में एनडीए को बंपर सीटें मिल रही है। बिहार की 40 में से 48 सीटें, इंडी गठबंधन को 2 सीटें। पहली बार ये आंकड़ा वोट शेयर देखिए रूपिका, 58%, 58% का वोट शेयर है, और कुल मिलाकर अगर ये वोट शेयर 58% जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज कर रहा है। इसमें हम एक रिएक्शन ले लेते हैं। मेरे साथ सतीश के सिंह है, जो इनका मूल निवास बिहार है। सतीश के सिंह, क्या ये अनुमानित आंकड़े हैं, ओपिनियन पोल के जो आंकड़े आ रहे हैं, और जो नंबर आ रहा है वोट शेयर का, वो 58% है, यहाँ पर विपक्ष के खाते में सिर्फ 2 सीटें जाती हुई, और अभी तो सीट बंटवारा हुआ नहीं है। सतीश जी, देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि अगर INDIA गठबंधन की मजबूती है अगर कुछ भी, तो वो बिहार में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा है। और जिस प्रकार से तेजस्वी क्या अभी जो रैली वगैरह हुई है, और वहां रैली हुई है जी, तो इस लिहाज से मुझे इस आंकड़े पर उतना भरोसा नहीं है। मैं जरूर मानता हूं कि एनडीए को वहां अभी भी बढ़त है, लेकिन इतनी बड़ी बढ़त आपके अनुसार नहीं, मेरे हिसाब से नहीं है। एक तरफा बिहार में इस बार का चुनाव नहीं है। पर सतीश जी, कितनी फिर 40 में से कितनी सीटें आप देखिए, 4-5 सीटें जो है, 5-6 सीटें हो सकता है, बोला हूँ हो सकता है, बहुत ही निर्भर करेगा वो विपक्षी महागठबंधन को मिल जाए। कारण सुन लीजिए, मेरे अपने असेसमेंट में नीतीश का स्टॉक डाउन है। केसी त्यागी जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सर बहुत बहुत स्वागत है, जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। आपने सुना सतीश जी कह रहे हैं कि ये जो 38 सीटें इस वक्त हमारा ये महा ओपिनियन पोल नेटवर्क 18 का दे रहा है 40 में से एनडीए को, ये मुश्किल लग रहा है। इस बार मामला 50-50 ज्यादा दिख रहा है, इंडिया गठबंधन भी और एनडीए भी। नहीं लुपिका जी, सतीश जी हम लोगों के पुराने मित्र हैं, बिहार से रहने वाले हैं। असल में जो जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी है, उस वो पहले सब जनता दल में इकट्ठे थे और लालू जी भी साथ थे, तो लालू जी का जो मिसरूल था उससे नाराज और निराश होकर के हम लोग बाहर आए थे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हमने एनडीए बनाया था। और एनडीए निरंतर बढ़ता चला गया, छोड़ करके 2014 को जब हम और बीजेपी अलग चुनाव लड़े, उस दौर को छोड़ दो। सतीश जी को मैं याद दिला दूं, विधानसभा का 2019 का, 20 का, 2010 का 118 सीटें जेडीयू की थी, 95 सीटें बीजेपी की थी, और मुख्य विपक्षी दल बनने लायक भी सतीश जी आरजेडी नहीं थी। असल में आरजेडी को जो आप एमवाई करके जोड़ते हो, तो एक बड़ा मतदाता ऐसा है बिहार का जो लालू जी का मिसरूल याद करता है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, और उसको लेकर के समाजवादियों की और बीजेपी की एक जैसी राय रही है, चाहे जयप्रकाश रहे हों, चाहे लोहिया रहे हों और कर्पूरी ठाकुर रहे हों, वो डायनेस्टी के खिलाफ रहे हैं। और अब डायनेस्टी जब शिफ्ट होती है तो कास्ट को भी साथ लेके आती है, यानी कि लालू जी, उसके बाद उनके सुपुत्र, उनके बाद सुपुत्र, तो जो जातियों का गठबंधन है वो भी साथ साथ आता है। तो उस सब के खिलाफ आप वहीं के हैं, इसलिए मैं आपको आराम से समझा रहा हूं। जब भी जिक्र होता है कि आरजेडी वापस आ सकती है, जब भी जिक्र होता है जी, लेकिन बड़ी खबर आ गई है त्यागी जी, आपको मैं रोकना चाहूंगा। बिहार की सीट फॉर्मूला तय हो गया है, ये एक बहुत बड़ी स्टोरी आ रही है, सीधा उस स्टोरी का हम रुख कर सकते हैं। और ये इलेक्शन ब्रेकिंग है रूपिका, जैसे आप देख सकते हैं बिहार में एनडीए का फॉर्मूला तय होने की खबर है। सूत्र, बीजेपी 17 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी, इस समय की बड़ी खबर है। लास्ट टाइम भी 17 पे लड़ी थी, जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर है। एलजेपी की चुनाव गुट को 5 सीट मिलने की खबर है, तो ये चिराग पासवान के लिए बड़ी पॉलिटिकल जीत है अपने आप में। पशुपति पारस के लिए एनडीए से के लिए अलग फॉर्मूला है ये कहा गया है, और खबर आ रही है कि पशुपति पारस को राज्यसभा सीट ऑफर हो सकती है, यानी कुल मिलाकर 6 ही दी जा रही है। पिछली बारी भी रामविलास पासवान को अगर हम सतीश जी याद करें तो एक राज्यसभा सीट दी थी, अब वो नहीं है, तो चिराग पासवान की एक बड़ी पॉलिटिकल जीत इसको हम मान सकते हैं। चिराग पासवान जो कि लगातार बिहार के चुनाव में कहते रहे मैं मोदी का हनुमान हूं, मुझे मोदी से अलग करके ना देखिए, तो अंत में उनको कुछ मिल गया है सतीश जी।